गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है? एक नंबर। और नंबर कैसा है? नंबर है दो नंबर, वो भी ये जैसी गाड़ी जर्मन से आई थी ये बिल्कुल वैसी ही है आज। एक बार एक झटका लेके देखते हैं। वनकम गाइस, दिस इज इरफान और आप अभी देख रहे हैं माय कंट्री माय राइड। तो आज हम एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन पे है जहां पे हम आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाएंगे जो जानी जाती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, जो रेयर पीस है। मतलब ये चीज़ें आपको इंडिया में बहुत कम ही दिखती हैं, क्योंकि आज हम हैं ऑटो बेस्ट इम्पीरियो पे और आज उनके स्टॉक से हम आपको दिखा रहे हैं ML63 AMG मशीन। तो अभी आपने इंजॉय करा इस गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट। अभी ये जो आपने शॉट देखा है, बहुत ख़ास बात है। आज हम जो वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो शुरुआत हम वीडियो कर रहे हैं, वो बोनट खोल के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये बहुत ख़ास है। मतलब अक्सर आपने ये सुना होगा कि भाई गाड़ी की बॉडी लाइन इंटीरियर बहुत ख़ास होता है, लेकिन इस गाड़ी का इंजन बहुत ख़ास है। और हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए होंगे हमारे प्रिय भाई एंड मित्र नमन। हाय गाइस, दिस इज नमन फ्रॉम ऑटोबेस्ट इम्पीरियो। आज नमन, मैंने अपने सब्सक्राइबरों को ये कहा कि आज जो हम गाड़ी लेके आए हैं उसका इंजन जो है बहुत खास है। ये जो इंजन है, सबसे पहले तो आपको बता दूं V8 इंजन है। बिल्कुल, बाई टर्बो इंजन होता है ये। एंड ये जो इंजन है ना, ये हैंडमेड इंजन है। ओके, मतलब हैंडमेड, ऐसे कि आपको कोई डाउट भी ना हो, इस वजह से यहाँ पे सिग्नेचर भी है जिनके थ्रू ये बना है। ओके, तो आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगी वो चीज़ कि मतलब प्रॉपरली हैंडमेड है, CBU यूनिट है ये। जी वैगन के अंदर भी यही इंजन होता है। बिल्कुल, लेकिन इस गाड़ी की जो पावर है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। वो अभी हम जब ड्राइव पर जाएंगे तब आपको बताएंगे। बट हैंडमेड इंजन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान ने अपने हाथ से इंजन को बनाया है, बकायदा उनका नाम भी है, अगर आप लोग प्रोनाउंस कर सको तो कमेंट सेक्शन में आप देखना भी। इट्स अ जर्मन नेम, मर्सिडीज AMG जर्मन। क्योंकि ये जो यूनिट है, ये जो गाड़ी है, ये पूरी गाड़ी है CBU यूनिट, यानी यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं असेंबल्ड हुआ है। पूरी गाड़ी असेंबल्ड आई है बाहर से, और कौन से साल में आई है ये जानते हैं, यानी कौन सा मॉडल है ये। ये है 2014 मॉडल। अब इसे स्टार्ट करके एक बार देखते हैं। अभी नमन जाएंगे, इसे स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या आगे से इसकी शेप आती है और क्या लाइटें इसकी लगती हैं। क्योंकि मुझे ये गाड़ी सीरियसली बहुत पसंद है। हमने जी वैगन देखी है, लेकिन आज पहली बार माई कंट्री मार्केट पे ML63 AMG फीचर होने जा रही है। और अब आप ये देखो गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। एक नंबर। और नंबर कैसा है? नंबर है दो नंबर, वो भी VVIP डिजिट के साथ, दैट इज़ HR82002, जो आपको मिलेगा इस गाड़ी के साथ ही, जिसकी कॉस्टिंग ही कई लाखों में है। अब थोड़ी सी प्रोफाइल इंजॉय करते हैं और नमन से थोड़ी सी बातें करते हैं इस गाड़ी के बारे में। नमन, कुछ बताएं इस गाड़ी के बारे में। ये सारी चीज़ें इसमें स्टॉक हैं। ओके, AMG अलॉयज हैं ये। V8 बाई टर्बो की बैजिंग आप देख रहे हो साइड में, इसके फेंडर पे है। ठीक है, ये यहाँ पे फुटस्टेप्स लगे हुए हैं। ओके, मतलब एक ब्लैक थीम देख रहे हो आप इसमें जो चल रही है हमारी। हैंडल्स पे भी, इसके जो हैं डोर हैंडल्स पे, उन पे भी थोड़ा ब्लैक, ऊपर का पार्ट ब्लैक है। पीछे जो ML63 की बैजिंग है वो भी ब्लैक है, AMG भी ब्लैक है। इसके अंदर एक एक चीज़, यानी एक एक चीज़ जो है वो कंपनी ने ही लगा के दिए। इसमें कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है। कुछ लोग इसे देखने के बाद ऐसा लगेगा कि शायद अलॉय व्हील्स आफ्टर मार्केट हैं या एग्जॉस्ट वगैरह, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जैसी गाड़ी जर्मन से आई थी ये बिल्कुल वैसी ही है आज भी। यानी अगर हम थोड़ा करीब जाएं, इवन कि और एग्जॉस्ट पे भी इसके AMG की बैजिंग है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जॉस्ट के ऊपर AMG की बैजिंग आपको दिख गई होगी। और ये वाली जो बैजिंग है ये भी बकायदा कंपनी से है, ये जो ब्लैक मर्सिडीज़ का लिख रहा है। और यहाँ पे जो ML63 की बैजिंग दिख रही है वो भी आप देखते हैं। बाकी दिस इज़ द टेल लाइट, और बहुत सॉलिड है दोस्तों ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, गाड़ी की स्मूथनेस है, उसकी ड्राइव है, परफॉर्मेंस है, मतलब ऑल इन वन कार है। तो ये है कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, जो कि आप देखते हैं विद मैसिव बूट स्पेस।
मतलब ये एक एसयूवी है, उसके अकॉर्डिंग भी स्पेस जो इसमें है पूरा वो आप देख सकते हैं। जो इसका बूट है इलेक्ट्रॉनिकली है वो बटन से हो जाता है ऑपरेट, की से भी ऑपरेट हो जाता है। इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ भी आता है। 2014 मॉडल तक किसी भी गाड़ी में मर्सिडीज की, जैसे आप देख सकते हैं ML वगैरह, आप अगर देखेंगे भी तो कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं थी, नॉर्मल जो सनरूफ आती है वो आती थी। बट इस वाली गाड़ी में क्योंकि ये CBU यूनिट है इसलिए इसमें पैनोरामिक सनरूफ है। पैनोरामिक सनरूफ यानी कहने का मतलब ये है कि पैनोरामिक सनरूफ आया सन 2016 में और इसमें 14 मॉडल होने के बावजूद भी पैनोरामिक सनरूफ है। दैट मीन्स कि गाड़ी बहुत स्पेशल है, 2002 साल एडवांस चल रही है, एडवांस चल रही है, वाकई बहुत ज़्यादा एडवांस चल रही है। अब अंदर जो चीज़ें हैं ना इसकी, अंदर इतनी प्रीमियम लगती है ना मुझे गाड़ी, जो इसके लेदर है, जो अल्कंटारा लेदर, जो इसके ऊपर सोएड लेदर जो ऊपर लगा हुआ है इसकी छत पे, यानी जो बेज इंटीरियर होता है वो तो एक क्लासी लुक देता है, लेकिन जो ये वाले जो कलर है ना, जैसे कि ब्राउन हो गया और ये ब्लैक हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन है ये ज़बरदस्त है। इसके अंदर अपने को कर्टन भी मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वुडन भी आप देख सकते हैं, फिनिशिंग यहाँ पे भी है, ब्राउन इधर है, और इसके अंदर बैठने के बाद ये जो स्क्रीन है एंटरटेनमेंट के लिए वो भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको ये पैनोरामिक सनरूफ भी इस गाड़ी के अंदर मिल रही है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है इस गाड़ी की, वो इस गाड़ी की ड्राइविंग है दोस्तों। इस गाड़ी को चलाना, आज मैं नहीं चलाऊँगा, आज भाई चलाएगा इस गाड़ी को, क्योंकि भाई इसका थोड़ा सा बताएगा पंप। तो अभी जो आप जो ये देख पा रहे हो ये पूरा आप इंटीरियर एक बार एंजॉय कर लो, आगे से भी आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है। स्टेयरिंग यार नमन, वाकई AMG स्टेयरिंग है इसका। ये इंटीरियर हो गया, ड्राइव हो गई इसकी, परफॉर्मेंस, अंदर से जो इसके फीचर्स हैं, मतलब एक एक चीज़ प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन, और दूसरा इतनी अच्छी है कि मतलब मैं खुद एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा। ये गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, बहुत लिमिटेड चीज़ है, जो शौकीन लोग हैं वो इंक्वायरी कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। क्योंकि माई कंट्री मैराड ने आज पहली बार ही आपको ये गाड़ी दिखाई है, क्योंकि ये गाड़ी रोज़ रोज़ आने वाली चीज़ नहीं है। मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, ये तो जी वैगन से भी रेयर है। जी वैगन फिर भी एक टाइम को दिख जाती है, ये वाली चीज़ नहीं दिखती। तो अब बैठते हैं इसकी ड्राइविंग सीट पे और चलते हैं इसकी ड्राइव पे और लेते हैं मज़े इसकी ड्राइव के। आइए अब मज़ा लेंगे इस गाड़ी का। गाड़ी का नाम दोबारा से नमन से जानते हैं और दोबारा से जो पावर है गाड़ी की वो ज़रा आपको बताते हैं। तो नमन कौन सी गाड़ी चला रहे हैं बताओ? ये हम चला रहे हैं मर्सिडीज बेंस ML 63। ये है V8 इंजन है, बाई टर्बो, और पावर बहुत ही अमेजिंग है इसकी। ड्राइव करके मुझे बड़ा मजा आ रहा है। पीछे हमारा भाई बैठा हुआ है मिस्टर व्यास, सबको हाय एक बार कर दो और ये जरूर बताओ कि क्या कहते हो तुम ये वाली भाइयों को और ये गाड़ी के बारे में। एक कुछ ऐसी चीज होती है जो उसको खास बनाती है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा जो इसकी पावर है ना वही इसे यूनिक बनाती है। और एक बात और है दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, हम बताएं कि माई कंट्री मैराड पे आज तक ये गाड़ी फीचर नहीं हुई है, तो ये गाड़ी जब हम फीचर कर रहे हैं आज तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जब हमें ये बताया गया कि भाई इसके अंदर अपना हैंडमेड इंजन लगा हुआ है, वो बहुत यूनिक बात थी। इसके अंदर रिवर्स कैमरा, मतलब सन 2014 की गाड़ी है, इसके अंदर रिवर्स कैमरा पता कौन सा आता है? 360 कैमरा आता है। मतलब 360 कैमरा सन 2014 में, आप ये समझे कि ये जर्मन मेड कार है, तो इसलिए इसकी जो बारीकियां है ना, जो स्टिचिंग है, चाहे आप सीट की क्वालिटी कह लो, AMG बैजिंग सीट्स पे भी है, सीट्स पे भी AMG बैजिंग आपको मिलती है, तो हर चीज बिल्कुल वो है फॉरेन वाली फील देती है, वो CKD यूनिट वाली, इसमें कुछ भी बात नहीं हो सकती। क्योंकि जो बाहर से बिल्डअप यूनिट होती है, मैंने बहुत मैसिव डिफरेंस देखा यार CKD में और CBU में, बहुत मैसिव डिफरेंस है। टॉप स्पीड पता कितनी है? 320 है इसकी टॉप स्पीड। तो अभी हमने मास्क वगैरह, देखो मास्क हम लगाते हैं तो उस चीज के लिए कोई भी कमेंट ना करे कि आप लोग मास्क लगाते हैं, जिंदगी से हमें भी हमारा उतना ही प्यार है। तो अब ये गाड़ी चल रही है रोड पे, स्पीड बताओ स्पीड कितने पे है इस टाइम? इस टाइम तो हम लोग 60 पे चल रहा है, पर मेरे को फील नहीं हो रहा कि हम 60 पे चल रहे हैं। वाकई भाई बहुत, मतलब कंफर्ट भी पूरा है इस गाड़ी में, नो डाउट, इंजन वाइज और परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन कंफर्ट भी पूरा पूरा मिल रहा है अपने को। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, थोड़ा सा इसे थोड़ा थंप देंगे, देखते हैं कि कैसा, एक बार झटका हमें भी लगना चाहिए यार हल्का सा, इतनी तगड़ी गाड़ी में बैठे हैं। ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए अभी हम कुछ करने है, क्योंकि गाड़ी में पावर ऐसी है, आगे कोई गाड़ी आ जाएगी तो हमें उस हिसाब से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक बात है, जैसे जिस रेंज की ये गाड़ी होगी उस रेंज में वैसे तो अपने पास ऑप्शन तो वैसे काफी हैं। अगर हम डिस्कशन की बात करें, काफी सारे लोग इंक्वायरी भी करते हैं गाड़ियों की, तो आप एक बार गाड़ियों के बारे में बताओ कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक मिल जाता है। जो यूजुअली डेली रूटीन वाली कार है, जैसे कि 5 सीरीज हो गई, C क्लास हो गई, E क्लास हो गई, और आपका S क्लास जो कि शौक रखता है गाड़ियों का, मर्सिडीज की GLE हो गई, GLS हो गई, एंड जैसे कि हमारी ML 63, AMG में GLE 43, AMG भी है। ओके तो ये काफी सारा, मतलब हमारे पास हर टाइम
35-40 कार्स का स्टॉक रहता है एनी टाइम, 40 से भी ज्यादा ही होगा. बट ये है अभी जैसे कि आपने हमें दिखाया भी था कि अपनी लास्ट वीडियो में जैसे हमारा नीचे बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फिर और बढ़ाएंगे जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा. ऑब्वियसली जब स्पेस नहीं हो तो हम गाड़ी कहां, हाफ सेंचुरी, बिल्कुल कोशिश यही रहे, हाफ सेंचुरी लगेगी. लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका 20 लाख से ऊपर का बजट है, आप एक प्रीमियम गाड़ी चाह रहे हैं, और स्पेशली एक बात मेंशन करूंगा यहाँ पे, लेस ड्रिवन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम चली हुई गाड़ी आपको चाहिए, तो आप श्योरली आपकी स्क्रीन पे चल रहे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. और नमन ही आपको असिस्ट करते हैं ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे, तो आप जब भी आए तो नमन से आप मिल भी सकते हैं. हालांकि हम तो नहीं मिल पाते, हम तो शूट करने के लिए आते हैं, लेकिन नमन भाई यहाँ पे होते हैं. और इसके अंदर और बताइए, स्टीयरिंग भी इसका इलेक्ट्रॉनिक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है. ओके, लेकिन स्टीयरिंग की जो शेप है वो एएमजी वाली, वो स्टीयरिंग एएमजी वाली थी. पैनोरामिक सनरूफ है जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस मॉडल के अकॉर्डिंग. सही बात है. मेमोरी सीट्स आ जाती है हमारे पास साइड में, आगे हमारे बेसिक कप होल्डर्स हैं. क्या ये सीट भी वेंटिलेटेड सीट हैं क्या? ये हीटेड सीट्स हैं. अच्छा, हीटेड सीट्स हैं, ठीक है. ये हीटेड सीट्स हैं. आपका जो रूफ है वो ऊपर सारा अल्कंटारा लेदर है. ओके. जो आपकी सीट्स है वो नापा लेदर है, मतलब दो लेदर्स का मिक्सचर है जो वन ऑफ द बेस्ट लेदर्स होते हैं. एक बार एक झटका लेके देखते हैं. पावर अलग है, अरे नेक्स्ट लेवल पावर है यार. हम तो इसे भगा नहीं रहे हैं दोस्तों. अगर कितने में गई थी अभी? अभी ये कितने में गई थी उसे? अभी हम लोग 100 पहुंच गए थे. एक सब में 100 पहुंच गए थे हम लोग. अरे बहुत तेज है, बहुत तेज है. अभी आप ट्रैफिक भी देख रहे हो काफी. अभी ट्रैफिक है वैसे देखा जाए तो. हमारा तो जो एक्सपीरियंस है ना इसका ड्राइव का, वो बहुत ही अमेजिंग रहा. अब आपको कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी गाड़ी, जो गाड़ी आज हम आपके लिए लेके आए हैं. तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग उतरते हैं इस गाड़ी से और आपको बताते हैं इस गाड़ी की डील, कि किस पैसों में या कितने ही पैसों में ये गाड़ी अवेलेबल है फॉर स्पेशल कार. स्पेशल कार भाई दोस्तों. तो अब हम लोग इसकी ड्राइव लेके आ चुके हैं. गाड़ी वाकई बिल्कुल एक नंबर है, इंजन वाइज, ड्राइव वाइज, कंफर्ट वाइज, और हर तरीके से गाड़ी बिल्कुल ओके है. अब देखते हैं इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कितने ही इंटरेस्टिंग प्राइस में है ये गाड़ी, बताइए. सबसे पहले तो रेयर कार और उसके साथ स्पेशल नंबर, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन हो गया. ओके. दूसरा, गाड़ी जो है सीबीयू यूनिट है. ओके. वो बताया जैसे वो इंजन वगैरह सब कुछ दिखाया, हैंडमेड है. ये है 2014 मॉडल मर्सिडीज बेंज ML63. ओके. ये है चली हुई 49,000 किलोमीटर, हमने जैसे अभी मीटर में भी देखा. और इसकी हम लोग आस्किंग कर रहे हैं ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 49 इसकी ड्रिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग 49,75,000 हम इसकी आस्किंग कर रहे हैं, जो कि रहेंगे नेगोशिएबल. आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी को भी गाड़ी की इंक्वायरी करनी है. सिर्फ इसी की नहीं, कोई भी गाड़ी हो. एक बार आप नंबर अपने मुंह से बता दीजिए. जी, नंबर जो है 8885888886. काफी इजी नंबर है. हाँ, तो भूलने वाले कोई चांस नहीं है. नहीं, बहुत इजी नंबर है. मेरे को याद हो गया, वैसे मुझे नंबर याद नहीं रहते, लेकिन ये नंबर मुझे याद है. तो ये नंबर होता है नमन के पास, आप लोग नमन से इंक्वायरी पूछ सकते हैं. और कोई अगर आपके मन में कोई डाउट भी है लोन को लेके या कुछ भी, तो उसके लिए भी आपको नमन असिस्ट कर देंगे. लेकिन डील ओनली करते हैं दोस्तों प्रीमियम कार्स में, तो छोटी गाड़ी के लिए आप कॉल ना करें. अगर आपका बजट 20 लाख से ऊपर है तो डेफिनेटली नमन के पास कुछ ना कुछ आपके लिए ऑप्शन होगा ही होगा. तो इसी के साथ हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड खुदा हाफिज़.